प्रभु आप अपने वचन के अनुसार हमारे साथ बात करें, ऐसी आप कृपा और दया कीजिएगा। हे पिता, हम संपूर्ण जीवन आपके हाथों में ले आते हैं, आपको महिमा आदर देते हैं, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। नीति वचन की किताब और उसका चौथा अध्याय और उसके 23वें पद में बाइबल ऐसा कहती है, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 23, वहां लिखा है कि सबसे ज्यादा, क्योंकि 23 सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत इन इंग्लिश, वेल स्प्रिंग्स ऑफ लाइफ, बट इन इंग्लिश इज हार्ट। एक्चुअली द हार्ट इज नॉट द राइट ट्रांसलेशन, बट द माइंड, द माइंड इन हिंदी से सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा करना। हार्ट मीन्स स्पिरिट, माइंड मीन्स माइंड, सोल, ब्रेन, है ना। और हम पढ़ रहे हैं मन के बारे में, और यहां बाइबल कहती है सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा करना, है ना, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत, द स्प्रिंग ऑफ द फॉर द लाइफ, सोता 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 क्या होता, जिससे पानी निकलता है। पानी निकलने के केंद्र को, उद्गम स्थान को हम सोता कहते हैं, और लाइफ का जो फाउंटेन है, जो जो रिसोर्सेज है, वो है मन। इसलिए मन की सबसे ज्यादा रक्षा करना, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हम मन के उद्धार के बारे में बात कर रहे थे, और विश्व में मन के उद्धार के बारे में बहुत ही कम शिक्षाएं हैं। दिस इज द सेकेंड प्लेस वेयर वी नीड द सॉल्वेशन एंड दैट्स द माइंड। और हमने पहले मन के नवीनीकरण की जो आवश्यकताएं हैं उसके बारे में सीखा, कैसे एक व्यक्ति ने विश्वासी, हाउ अ पर्सन दोस हु हैव द न्यू बॉर्न एक्सपीरियंस ही मस्ट हैज टू बी अपग्रेड हिमसेल्फ इन हिज स्पिरिचुअल लाइफ सो ही मे गो थ्रू द रिनीविंग ऑफ माइंड। द रिनीविंग ऑफ माइंड इज द सेकेंड प्लेस वेयर ही इज ट्राइंग टू हैव द सॉल्वेशन, ठीक है। सो हमको जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उस आवश्यकताओं को हमें खोजना है। तो हमने सबसे पहली आवश्यकता देखी, टू हैव द विलिंगनेस, आवर विलिंगनेस टू हैव द क्राइस्ट्स माइंड और द रिनीविंग ऑफ माइंड। मनुष्य की पहली जरूरत है कि वह इस बात की इच्छा जाहिर करे कि उसके पास मन के नवीनीकरण की जरूरत है। यदि इच्छा नहीं है तो कुछ नहीं होगा। और दूसरी चीज हमने देखा था, द सेकेंड पॉइंट इज सरेंडर आवर माइंड टू गॉड। सो हाउ अ न्यू बोर्न एक्सपीरियंस पर्सन सबमिट हिज माइंड टू गॉड, दैट्स अ पॉइंट। सबमिटिंग आवर माइंड टू गॉड मीन्स टू सबमिट आवर होल बीइंग टू द होली स्पिरिट according to the word of God, in line the word of God, or through the word of God we can submit our whole being unto the control of God. So yahan par parmeshwar ka jo expectation hai, jo aasha hai ki tum apne sampurna jeevan ko prabhu ke haathon mein saunpo, to kaise saunpe, wo to wahan hai, hum to yahan hai. To parmeshwar ke vachan ko अपना मन समर्पित करने का मतलब ही होता है अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना। मन का रिश्ता वचन से है, और आत्मा का रिश्ता मनुष्य की आत्मा से है। आवर माइंड, द रिलेशनशिप
for the word of God. The word of God comes in the human's mind and the anointing comes in the heart, means the spirit of man, the human spirit. जब कभी आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो उसका रिश्ता कहां से रहता है? मन से रहता है. और जब कभी पवित्र आत्मा की बात करते हैं तो उसका रिश्ता कहां से रहता है? आत्मा से. सो यहां पर लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना. तो मन की रक्षा का उपाय हमने यहां देखा था, प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 20, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान धर के सुन. हमारे सुनने का अधिकांशतः जो समय हो वो परमेश्वर के वचन से होना चाहिए. सुनो 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 सुनो. अब आप दे बोलोगे कि क्या 24 घंटा बाइबिल ही सुनते रहेंगे हम? जी नहीं. सुनना तो संसार का है. माँ बुलाई, अरे बेटा तो जाना तो पड़ेगा ना. परंतु जिन भी परिस्थितियों में आप हैं, जिन भी परिस्थितियों में आप काम करते हैं, उन सारी परिस्थितियों में सुनने के समय परमेश्वर के वचन के अनुरूप यदि आप सुनेंगे, यदि कोई बात आपके बेनिफिट की है तो उसको अंदर आने दें. यदि आपके मन को कोई चीज जो है विकृत कर रही है तो उसको आने से रोक दिया जाए. ठीक है ना? कान में चौकीदार बिठाना पड़ेगा. Someone should has to be guard our ears so that the initially the things which is benefitable for our spirit and the spiritual light, only such kind of things can be entered in our mind. No need to be permit any kind of the filthy things which is despoiling our peace and joy. Right? So aap apne man ko niyantrit karna. Theek hai na? हाँ, वो नेता मर गया, मरने दो, है ना? उसको जो आपके काम की है आने दो. फिल्ट्रेशन होना चाहिए. कान में एक जाली वाला पर्दा लगा दो जिससे जो बातें आपके लाभ की हैं उसको अंदर आने देना, और जो आपको विकृत करती हैं, है ना, जिससे कोई फायदा नहीं है, उस बात को आने से रोकना. ऐसा करने के द्वारा आप अपने मन को नवीनीकरण करने के लिए ले जा सकते हैं. ओके, द सेकंड पॉइंट कि तू अपने ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा, उसको अपनी आंख से ओट न होने देना. द सेकंड पॉइंट कि तुम्हारी आंखों के Keep His word before your eyes. अपनी आंखों के सामने परमेश्वर का वचन रखो, अर्थात देखने के टाइम पर तुम्हारी नजरें ऐसा ही देखें जैसे परमेश्वर का वचन देख बोलता है. Our understanding must be according to the word of God, as the word of God says, as the plan of God says. We have to look in that way only, such a way you can renew your mind. Sometimes we think according to our own wisdom and understanding, and through the worldly view we try to understand what the situation is. But let the time may come, your sight, your spiritual understanding may be according to the word of God. That will help you to renew your own mind. अपने मन को बदल देने के लिए आपकी आवश्यकता होती है कि आप परमेश्वर की बुद्धि से देखना शुरू करें, परमेश्वर की बुद्धि से परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें. ऐसा करके आप परमेश्वर की आंखों से देखने वाले व्यक्ति बन जाते हैं. आखिरकार हमारा पिक्चर क्या है? What's our destiny? What we are trying to do? Renewing of mind means the Christ mind, means the God's nature, means the glory. What glory? We already have lost it in the Garden of Eden. That glory must has to be come back to in our life. उसको ही हमें पाना है. इसके लिए हमारे व्यू जो है, कई लोग फिल्थली आंखों से देखते हैं, गंदी आंखों से देखते हैं. ऐसे देखो. देखने का मतलब ओनली ये फिजिकल आईज नहीं है, ये तो कैमरा है, ये कुछ भी देख सकता है.
परंतु इसके देखने से जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है, वह किस तरीके का पड़ेगा। मदर ट्रेसा ऐसा कहती हैं, जिस भी व्यक्ति को मैं देखती हूं मुझे यीशु मसीह के समान दिखाई देता है। द पर्सन बेगर फिल्थली पीपल द सिक पीपल एज सून एज ही लुक टू हर लुक टू देम शी लुक नॉट थ्रू हिज हर ओन अंडरस्टैंडिंग बट उसको लगता है कि यीशु बैठा है। इसलिए मैले कुचैले भिखारी को अपने बाजू में कार में बिठा के आश्रम ले जाके नहलाने में वो देरी नहीं करती। अपने को क्या लगता है गंदा बास आ रहा है। तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग में ये बदबू को सेंस करने की आदत आई कहां से? मामा हवा ने रजिस्ट्री करके दिया है। समझ रहे हैं बात को? रिनीविंग ऑफ माइंड में बदबू आ रही है, आने दो। कई बार हम देखते हैं यहां पर किसी ने मैला कर दिया हवा को, तपन धीरे धीरे यूं यूं करके ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है। अरे सब तो अच्छा ही अच्छा आता है, एक दो बार बुरा भी आ गया तो प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना? उसको बहने दो बेचारी को, ठीक है ना? आप अपने अंदर उसको रिसीव क्यों कर रहे हो? हमारा कहना ये है ना, आपने उसको क्या किया है? सेंस किया है, हा? सेंस कर लेते ना, हाँ। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमें देखना है अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। उसके देखने का जो प्रभाव है आपके जीवन पर कैसा पड़ेगा वह। कई कई लोगों को बोलते अरे यहां मुर्गी की बात आ रही है, वो कुत्ता मर गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है मरने दो, आती है आने दो, जाती है जाने दो। आने वाली बात को मैं अपने दिमाग के अंदर अपना प्रभाव छोड़ने से रोक लेता हूं, इसलिए मुझे बदबू बदबू लगती नहीं, क्योंकि मैंने अपना ध्यान उस पर केंद्रित आ गई चली भी गई। मैं आई हुई चीज को रोक के रखूंगा तो सेंस करूंगा ना। आप कितनी बातों को देखते हैं और उसको अपने दिमाग में छवि बना के अपना प्रभाव छोड़ने देते हैं? हेलो, आप कितनी चीजों को देखते हैं और देखने के बाद उसको अपने दिमाग के अंदर प्रभाव छोड़ने की अनुमति दे देते हैं? इट्स डिपेंड्स अपॉन योर थॉट्स। If the some visions is coming unto your mind, how many visions you are permitting to occupy your mind, it depends upon you. If you are the one who is going to permit the thoughts or the picture, whatever you have seen through your own physical eyes, it will impact you. It depends upon you only. मैं देख रहा हूं, देखने के बाद भी उस चित्र को मैंने अपने दिमाग के अंदर में बसने नहीं दिया तो वह मेरे जीवन पर प्रभाव नहीं छोड़ेगी, हैं? प्रभु यीशु मसीह को भी शैतान ने ऊपर लेके गया कंगूरे पर और दुनिया दिखा दिया, ओ मैदान पहाड़ पर दुनिया दिखा दिया, एक सैनिक जा रहा है खट 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 उसके आगे और दूसरा सैनिक जा रहा है, सब लोग उसको सैल्यूट मार रहे, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। प्रभु यीशु मसीह को ये सारी पिक्चर दिखाने के बाद में शैतान धीरे से क्या बोला, मेरे को नमस्ते करना, ये सब तेरे को दे दूंगा, तू भी घोड़े में बैठ के जाएगा, 25 फौज तेरे पीछे चलेगी, बोल तो मैं दे देता हूं, नमस्ते भर कर दे। प्रभु के दिमाग में विचार आया, उसको रोका नहीं जा सकता है। हेलो, उसने देखा, किसके दिखाई देखा? शैतान के दिखाई देखा। सुनो, कई बार शैतान की मानना भी चाहिए, वो दिखाता है तो देख लो, प्रॉब्लम क्या है देखने में? किसने ले गया था आप ही बताइए, पर मैं किस कौन सी आत्मा ने ले गया यीशु मसीह को जंगल? पवित्र आत्मा ने। वहां क्या हुआ, किसने परीक्षा लिया, किसने ले गया था, किससे परीक्षा कराने, कौन सी परीक्षा थी? खा ले, देख ले, गिर जा। समझ रहे हैं बात को? अब आप बताइए, यीशु मसीह तो उपवास करने गया था ना, बोलो हाँ, उपवास कर रहा था ना,
प्रार्थना कर रहा था ना, पिता से दुआ कर रहा था, ठीक है। अभी वहां दुआ करते करते पहाड़ में किसने ले गया? नहीं समझे भैया, यीशु बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, उसको उपवास में किसने ले गया? पवित्र आत्मा ने। एक जगह बैठ के प्रार्थना कर रहा था ना, ही वॉज फैस्टिंग आफ्टर द रिसीविंग द बैप्टिज्म इन द होली स्पिरिट। द होली स्पिरिट टुक हिम अनटू द विल्डरनेस एंड ही वॉज वेटिंग एंड प्रे फैस्टिंग एंड प्रेइंग विद गॉड। हू टेक हिम टू द विल्डरनेस? द होली स्पिरिट। But while he was praying and fasting in the wilderness, who took him to the top of the mountain so he may saw the worldly, the material things? Who take him? Who inspire him to go to the top of the mountain? See? Huh? Devil. Shaitan le gaya. अभी बोलो, शैतान ने उसको पहाड़ के ऊपर ले गया, तो प्रभु माना कि नहीं माना? किसके कहे अनुसार माना है? समझ में आ गई बात? कभी कभी मान भी सकते हैं उसकी, परंतु कहां मानना है और कहां नहीं मानना है यह भी तुम्हें समझना पड़ेगा। उसने ले गया तो चले भी जाओ, उसने दिखा दिया तो देख भी लो, परंतु वो बोला कि नमस्ते करो, तब प्रभु ने कहा क्यों करो? समझ में आ गई? विजय यही है। अब साधु लोग स्त्रियों के डर के मारे लंगोट लगा के पहाड़ में चले गए और कहने लगे तपस्या कर रहे हैं। ऐसे डरपोकों को खुदा कहां मिलेगा? जो माया को ही छोड़ के भाग गया, वह खुद के ऊपर नियंत्रित करने जा रहा है कि माया के डर के मारे भाग रहा है? समझ में आ गई? अरे साधु बनना है तो बस्ती में रह के साधु बनो। हाँ, स्त्रियों को देखने के बाद भी तुम्हारे दिमाग में स्त्रियों का कोई प्रभाव नहीं पड़े, तभी ना हम कह सकते हैं कि तुम साधु हो। डरपोक कहीं के आंख बंद कर, अभी कई बार अपन कार चलाते, इतने में इतना बड़ा ट्रक आ गया, अपने को ब्रेक मारते नहीं आया तो हैंडल से हाथ हटा दिए और आंख बंद कर लिए, तो क्या तुम्हारी कार ट्रक के ऊपर से हवाई जहाज के समान उस तरफ चली जाएगी क्या? नहीं, बोले एक्सीडेंट देखने से डर लगता, इसलिए आंखें बंद कर ली मैंने। अरे ब्रेक मार मैडम, आंख बंद करने से एक्सीडेंट ना रुकेगा। कई बार हम शैतान की परीक्षाओं से आंख बंद करके भाग लेते हैं। इनको कौन सी लिस्ट में रखा जाए, आप ही बताओ। हालेलुया। शैतान ने यीशु मसीह को कंगूरे में ले गया, और नहीं पहाड़ में ले गया, और उसको सारा संसार दिखा दिया, और संसार दिखाने के वक्त यीशु ने देख भी लिया, परंतु जब उसने कहा, अर्थात शैतान ने, कि तू मेरे को नमस्ते कर देगा तब मैं तुझे ये सारा संसार दे दूंगा, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू क्या मेरे को देगा? स्वर्गीय पिता मुझको पहले ही दे दिया है, ये तो मैं ही बनाया हूं, तू मुझे क्या देगा? मेरी प्रॉपर्टी को दिखा के कहता है मैं तेरे नाम पर रजिस्ट्री करूं क्या? इतनी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, इतना क्विक डिसीजन होना चाहिए, इतना हेड नॉलेज होना चाहिए, इतना परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना चाहिए। तू क्या देगा? तेरे पास है क्या? तू तो खुद ही ऊपर से नीचे गिरा लड्डू सामान। मैं तो वहां था, मेरा परमेश्वर सब कुछ मेरे पैर के नीचे कर दिया है, और ऐसा कुछ भी नहीं जो मेरे पैर के नीचे नहीं है। तू मुझे कौन सी चीज दे सकता है? सब कुछ मेरे पास है, मैं तेरी बात पर विश्वास नहीं करता। हालेलुया। जाग रहे हैं आप? वाह 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 वाह। मेरा प्रभु कहता है मैं सब कुछ तेरे हाथ में दे दिया, मैं तुझे नमस्ते क्यों करूं? यदि शैतान तुम्हें कुछ दिखाए तो देख लेना, परंतु जो कुछ वो बोले उसको मान मत लेना। मतलब ये कि उसके दिमाग के अंदर परमेश्वर का वचन इस तरीके से भरा था कि देखने के समय पर उसको पूरी तरीके से मालूम था मुझे क्या देखना है, और उसका मेरे अंदर प्रभाव पड़ता है कि अभी दुनिया का असर यीशु के दिमाग में पड़ा क्या? क्यों नहीं पड़ा? वचन का चश्मा लगाया था। इसलिए चित्र जो है ना,
छन छन करके उसकी बुद्धि पर प्रकाश डाल रहे थे। जितनी चीज आने की थी वही आना है, जो काम की चीज नहीं है उसको नहीं आना है। अपनी आंखों में पवित्र वचन का सुरमा लगा लो, तब आप अपने मन की रक्षा कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट है ना, आप द थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट क्या है, डिलीजेंटली कीप योर हार्ट प्योर। तीसरे पॉइंट सी में लिखिएगा, अपने मन को शुद्ध बनाए रखना। अपने मन को शुद्ध बनाए रखना, क्या लिखा है, वरन अपने मन में धारण करना। 30:21 का लास्ट सेकंड पोर्शन, अपने मन को साफ रखना है ना। हाँ, अभी इसका क्या मतलब है, हेलो, इसका मतलब क्या है, अपने मन के अंदर बेफिजूल की बातें जिसको विचार कहते हैं उनको आने से रोकना। टू स्टॉप द फिल्थली थॉट्स टू ऑक्युपाई योर ओन माइंड। से सेट अप टू द नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमेजिनेशंस, हायर थिंकिंग्स, जिसको हम कल देख रहे थे, रोक दो उनको। बैठे हैं देखते ही देखते, दाऊद छत पर चढ़ गया और उसने हित्ती उरिया की पत्नी को नहाते देखा। एक बार देख लिया तहां तक ठीक है, घूर घूर के क्या देख रहा है, समझ में आ गया बात। ज्यादा दिलचस्पी जताओगे तो धोखा खाओगे। इतना बड़ा प्रॉफिट गिर गया। तुम कौन से विचार अपने अंदर आने देते हो? टेकिंग केयर ऑफ योर ओन माइंड, लेट नेगेटिव थॉट्स, लेट अनवांटेड एंड द फिल्थली थॉट्स स्टॉप इट, सो दे मे नॉट बिकम एन ऑक्युपाई अवर ब्रेन, अवर माइंड। हमारी आवश्यकता है कि हम उन सारी बातों को रोक के रखें। घोड़े की तरह विचार आते हैं, हाथी की तरह ना मेला करके और गोबर दे के चले जाते हैं, बिल्कुल गोबर खाना बन जाता है ये। आया विचार, डगडग किया, चला गया, दूसरा आया, डगडग किया, चला गया, तीसरा आया, डगडग किया, चला गया। दिमाग के अंदर में कितनी ढेर सारी बातें, फिर ना हमारे पास ऐसा लगता है आसमान जो है पीतल बन गया है और पैर लोहे की जमीन बन गई है। हैवी हैवी फील होता है, असंख्य विचार आते हैं, असंख्य विचार जाते हैं। यही है जो हमारे मन को नवीनीकरण करने से रोकता है। आंख बंद कीजिएगा, जरा देख लेना, कहीं ये दिखता है, कहीं वो दिखता है, कहीं ये विचार आया। हवाई जहाज की तरह आते हैं, धुआं छोड़ के रॉकेट की तरह चले जाते हैं। एक बात याद रखना, जो गाड़ी का इंजन होता है ना वो बार बार ऊपर नीचे चलता है, छकछुक 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 छकछुक, और जितना देर तक चलेगा इंजन क्या हो जाता है, हाँ अपना दिमाग भी ऐसे ही गर्म हो जाता है। समझ में आ गई बात, हेलो। अब कई ने जवाब ही नहीं दिए, बैठे शरीर में यहां है, याद आ रही मामा सब्जी बना रही होगी, है कि नहीं। कई बार तो हमको देखते देखते आप अपने पति लोगों को याद करने लगते हो, फिर कहीं नानी दिखती है, फिर बच्चा दिखता, पता नहीं कौन, रे बाबा मेरे बच्चे की देखरेख कर रहे कि नहीं। यहां रहते हो, देखा लिखते 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 बाइबिल का पन्ना लिखते लिखते दिल बना दिए, उसमें तीर छेद दिए और बाजू, अरे बाबा इधर देखना, इधर क्या देख रही। समझ में आ गई बात, अननेसेसरी ऐसे विचार, एक बात की बात बता रहे हैं है ना। कई बार परमेश्वर के दास लोग खूब वचन सुनाते हैं और गाने की किताब के आखिरी पन्ने में एक दिल बना है ऐसा वाला, ठीक है, और उसमें तीर छिदा है, आधा तो दिख रहा है डंडी और उधर से नोक भी बाहर दिख रही है, इतनी सफाई से बनाए। अब आप ही बताओ, बाइबिल के पीछे वाले पन्ने में या गीत की किताब में आपने दिल बनाया था, वो मौका कब मिला तुमको? घर में तुमको बाइबिल के पन्ने में तीर बनाने की और दिल बनाने का समय है क्या?
एक बात बताओ, तुम कब बना? ईमानदारी से प्रभु के भवन में बैठे हो आज, झूठ मत बोलना। तुम्हारे हाथ में गीत की किताब कब रहती है बताइए आप? वर्शिप के समय, मतलब पादरी साहब बेचारा दाढ़ी हिला रहा है, वो तुम्हारे सिर में नहीं आ रही है, इसलिए अपना टाइम पास करने के लिए क्या बना रहे हैं? दिल बना रहे, और उसमें तीर छेद रहे। हमको मालूम ये दिल किसका है और तीर किसका है और तुमने कहाँ बनाए हो। अरे बाबा, ये दिल को तीर से मत छेदो, उसको तलवार से छेदो ना। कभी किसी ने दिल में तलवार छेदा क्या? परमेश्वर का वचन तलवार है, उससे छेदो। हमको मालूम है तीर किसका है और दिल किसका है। ये जो फिल्थली थॉट्स हैं, ये बेफिजूल के विचार हैं जो हमारी जिंदगी के अंदर में आते हैं, ये सारे विचारों से अपने मन को मुक्त रखना मन के नवीनीकरण की जरूरत है। ठीक है ना? जब देखे कि हमारे दिमाग में ये बात बहुत ज्यादा दबाव डाल ही रही है, तो फट से बबबबब करके ऐसा कहना, खत्म, चुप हो जाओ, चलो ये चित्र हमारी आंखों से निकलो। तब जाकर के आप उसे आदेश देने के बाद अपने मन के अंदर उठने वाले विचारों को रोकने से अपने मन के नवीनीकरण में आप अपनी मदद कर सकते हैं। हालेलुया, जाग रहे हैं? कभी आपने ऐसी कोशिश की थी? एक फिलासफर कहता है, मैं अपने सिर के ऊपर मंडराने वाली चिड़ियाओं को मंडराने से रोक नहीं सकता, पर उन्हें अपने सिर में घोंसला बनाने से जरूर रोक सकता हूं। ठीक है? इसका मतलब है हम अपने दिमाग में आने वाले विचारों को रोक नहीं सकते, उनको आने दो, परंतु उनको अपना घर बना के वहीं रहने नहीं देंगे। यीशु के मन में भी विचार आया था, उसने कंगूरे पर ले गया और कहा, गिर जा, गिर जा, गिर जा। प्रभु यीशु मसीह को ये बातें शैतान की ओर से पहुंची, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्यों गिर जा? मैं गिर भी जाऊं तो प्रभु मुझे बचाएगा, पर तेरे कहने से क्यों गिरूं? अभी गिरने की कोई जरूरत नहीं, जब गिरूंगा तब परमेश्वर मुझे झेलेगा। जानबूझ करके मैं गिरने वाला नहीं हूं, तू अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा। इतना अलर्ट था मेरा प्रभु, खुला मैदान है, कोई भी पहलवान आए लड़े और चला जाए। हमारा दिमाग भी तो खुला मैदान रहता है, विचार कहां से आया है कहां से नहीं आया है उसको लेना देना नहीं है। डिलीजेंटली कीप योर हार्ट प्योर, बड़ी सावधानी के साथ अपने मन के अंदर आने वाले विचारों को जान जान कर परख परख कर आने दो, तब आपके विचारों से, हाँ आपके मन से विचारों की आवाजाही जब छन छन करके आएगी तो मन के नवीनीकरण में आपको मदद मिलेगी। अभी वरदान ऐसे नहीं मिलते भाई साहब। अब फोर्थ पॉइंट अर्थात डी, उसमें यह आता है, पुट अवे डाइवर्स कन्वर्सेशन फ्रॉम योर माउथ, अपने मुख से बेफिजूल की बातों को निकलने से रोकना, अपने मुंह से बिना काम की चीजों को निकलने से रोकना। पुट अवे डाइवर्स कन्वर्सेशन फ्रॉम योर माउथ, अपने मुंह से अलग अलग प्रकार की बातों को जिसका बाइबिल से कोई लेना देना नहीं है, उन बातों को अपने मुंह से मत बोलो, है ना? अभी दो लोग खड़े हो जाएं, सेवक लोग, फिर देखना चर्चा चलती है। फनी लैंग्वेज, क्या क्या बोलते रहते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं। एक आत्मिक व्यक्ति के मुंह से
जो बातें निकलना नहीं चाहिए वो बातें भी निकलती हैं। गालियां बकते हैं, कई बार तो बिल्कुल ऐसी गाली जो जायज नहीं है वो मुंह से निकलते हैं। क्या तुम्हें अपनी जीभ के ऊपर भरोसा है कि वो बोलेगी? हैं, साइकिल पंचर हो गई, साइकिल अब मीटिंग लेने जा रहे हैं, साइकिल पंचर हो गई, साइकिल पंचर, तो पंचर साइकिल को लात मार के दैया मैया बोल देते हैं। अब साइकिल की दैया मैया भी होती है क्या? नहीं समझे? अरे मैं सेवकों की बात कर रहा हूं साहब, और प्रचार करने जा रहे हैं, पहले ही गाली गलौज करके गए, अपनी बीबी से झगड़ के गए, अपने बच्चों को गाली गुप्तार करके गए। कितने लोग हैं अपने मुंह से कितनी अनाप शनाप बातें बोल रहे हैं। आपको मालूम है जितना कम बोलोगे आपके बोलने का पावर बढ़ेगा, जितना ज्यादा चिकर 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 करोगे आपके बोलने का वजन कम हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर के दास कम बोलने वाले होने चाहिए। और मेरा एक स्वभाव है कि जो लोग बहुत कम बोलते हैं ना, पता नहीं क्यों मेरे दिल में उनके लिए बड़ा सम्मान रहता है, और जो बार बार पटर 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 करते हैं ना, हे प्रभु इस कतरनी से तो खुदा बचा ले तू मुझे। एक स्पिरिचुअल मैन के अंदर बहुत ज्यादा बातें बोलना शोभा नहीं देता, वह अपने वोकल पावर को बेफालतू बात कर रहे हैं। क्या बोलते हो? बाइबल का परमेश्वर कहता है ऐसे बोलो जैसे परमेश्वर का वचन बोलते हो। स्पीक एज द वर्ड ऑफ गॉड सेज, है ना? सुबह उठ के कहो गुड मॉर्निंग जीसस, मैं प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि हूं। ठीक है, उठते बराबर लगे फालतू की बात, नाश्ते में नमक नहीं डाला, तुमको यही तमीज है क्या? ऐसा डालते क्या? आओ मैं तुमको समझाता हूं, बहुत बार हो गया मैंने देख चुका हूं तुम हर वक्त नाश्ते में ज्यादा नमक डालती हो। ले सुबह सुबह की बेरा खुदा बाप की आराधना करना चाहिए तो लगे नमक और मिर्ची के पीछे हल्ला करने। ठीक है, कई बार जब हम प्रभु में बहुत आनंदित होते हैं, बहुत नमक रहता है ना, तो हम सब्जी में ऐसा करके पानी डाल के ऐसा ऐसा पतला कर लेते हैं और खा लेते हैं। अब डल ही गया तो मेरी बीबी निकालने से रही, ठीक है ना, उसमें पानी डालो और उसको थोड़ा ज्यादा लिक्विड बना लो तो नमक का लेवल, समझ गए बात? झगड़ा करने में कुछ नहीं रखा है, नुकसान आप ही का होगा, दो रहपट मारोगे तो कोई नमक कम नहीं हो जाएगा सब्जी का। आखिर खाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और रहीस हो तो फेंक दो। पर जो दुआ हो जाता है उसको बेकार नहीं समझते, फिर कितना ही तीखा हो कितना ही वो हो खा लेना चाहिए धन्यवाद के साथ, बाकी निपटने का काम परमेश्वर का है। हालेलुया, अपने मन को स्पॉइल मत होने दो। ये है हमारे मुख कन्फेशन जिसके द्वारा